नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में, और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में नवनियुक्त जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने सबसे पहले मीडिया कर्मियों को अपना परिचय दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरिद्वार की पहचान मां गंगा से ही है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि समयबद्धता, पूरी पारदर्शिता तथा अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करना मेरी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वही प्राथमिकताएं हमारी भी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मैं जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहूंगा। उन्होंने बताया कि मैं प्रतिदिन 10 बजे से 1:30 बजे तक कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठूंगा और किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त होने की स्थिति में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि अपर जिलाधिकारी अथवा कोई ना कोई अधिकारी जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के बारे में बात करते हुए कहा कि पूरे विश्व में माँ गंगा की वजह से हरिद्वार की अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की साफ सफाई पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके लिए मीडिया का सहयोग बहुत आवश्यक है। जिलाधिकारी ने लक्सर व खानपुर के निचले इलाकों जहां पर बरसात के समय पानी भर जाता है का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लिए सिंचाई विभाग को मॉनिटर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बाढ़ आदि आपदाओं के लिए हमारे पास आपातकालीन योजना का होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बचाव तथा राहत कार्यों के लिए हमारी पहले से ही पूरी तैयारी होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर पीड़ितों तक तुरंत सहायता पहुंच सके। इस पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी ने हरिद्वार की मर्यादा का ध्यान रखने, ड्रग तथा शराब के सेवन की समस्या, कोरोना काल से पहले की तरह जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित करना, स्कूल खुलने पर बच्चों की सुरक्षा, डेंगू की बीमारी, संभावित तीसरी लहर की तैयारी, वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाते हुए वैक्सीन की संख्या को बढ़ाना आदि मसलों पर चर्चा करने के साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि अगर ड्रग आदि के मामले कहीं से सामने आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर क्षेत्र में मीडिया का सहयोग बहुत आवश्यक है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर शहर के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद सर्वप्रथम मां ज्वालपा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना से शुरुआत की, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने नौगांव खाल बाजार में विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन भी किया। कार्यालय उद्घाटन समारोह में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाकर कांग्रेस में शामिल किया। केसर सिंह नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार ने 2014 में जनता को अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, लेकिन आज जनता महंगाई से त्रस्त है और युवा बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। ऐसे अच्छे दिन से तो पहले के बुरे दिन ठीक थे, जब पेट्रोल और सरसों का तेल सस्ता था और महंगाई की इतनी मार नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी जैसी जन विरोधी सरकार को उखाड़कर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आयोजन समाप्त होने के बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नौगांव खाल एकेश्वर बाजार में रैली भी निकाली। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मेरा आज जो यहाँ पे चौबट्टा काल का जनसंपर्क कार्यक्रम रखा हुआ था, इसी के साथ में हमारा यहाँ पे जो ये कार्यालय पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यालय भी हमने यहाँ पे छोटा सा कार्यालय खोला है, जो कि जिससे पार्टी ने जो दायित्व हम पे दिया है, जो मुझे दिया है पार्टी ने, तो उस दायित्व को उस पे निखर के आना मेरे को जरूरी है, इसलिए हमने चौबट्टा काल में भी एक कार्यालय खोला है। पौड़ी में भी हमने एक जिले का कार्यालय पहले खोल चुके थे, यहाँ पे भी चौबट्टाखाल विधानसभा के एक कार्यालय, जिससे हमारे क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्तागणों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पे कार्यालय मिलने का एक मिलन का कार्यालय यहाँ पे खोला है। कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी, तीरथ सिंह जी है, चाहे आप पुष्कर धामी भी आ गया ना, वो भी कुछ नहीं करेगा, हवा में बात करते हैं ये लोग, बाकी कुछ नहीं करने वाले हैं ये सब, अब खाली वो दिखा रहे हैं जनता को जात पात में कर रही है सब। हम हिंदू हैं, ये कांग्रेस मुसलमानों की है, कि क्यों है मुसलमान, मुसलमान इंसान नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ ये बीजेपी वालों को कि मुसलमान इंसान है? मकान बनाने के लिए मुसलमान, काम करने के लिए नेपाली,
और वैसे बोले कि हम हिंदू हैं, क्या कहीं हिंदुता है इन लोगों पे, तोड़ने के काम करे, बाकी कुछ नहीं है। कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो जहाँ विपक्षी होंगे वहाँ की स्थिति होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और निश्चित ही सरकार को सोचना चाहिए कि अगर कोई मंत्री अपने अपने क्षेत्र की रोडों की को सही नहीं कर सकता तो दूसरे की क्षेत्र की रोडों को क्या देख रेख करेगा। और 2022 में निश्चित ही जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है और युवा बेरोजगारी से परेशान है। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कार्यभार संभाले हुए अभी एक महीना ही हुआ है और प्रदर्शनों का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी विद्युत कर्मचारी तो कभी सफाई कर्मचारी तो कभी आशा वर्कर्स द्वारा नए नवेले मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों को भी अब कांग्रेस पार्टी ने भी राजनीतिक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी प्रदर्शन स्थलों पर जाकर लोगों को समर्थन देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर चुकी हैं, जिनके प्रदर्शन का आज दूसरा दिन था, जिसमें कांग्रेसियों ने भी मौके पर पहुंचकर आशा वर्कर्स के प्रदर्शन का समर्थन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की हितैषी होने के दावे करती है, लेकिन अब आशा वर्कर्स की 12 सूत्रीय मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल का कहना है कि आशाओं की मांगों के लिए कांग्रेस लगातार आशाओं के साथ खड़ी है और आशाओं की मांग अगर सरकार नहीं सुनती तो हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं आशा वर्कर ने भी कांग्रेस के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि यदि सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम सड़कों पर उतरेंगे और देहरादून का घेराव करेंगे। राजनीति से ऊपर उठकर हम अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए इस लड़ाई को पूरे पूरे खुले दिल से, तन मन धन से इनके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब तक इनकी 12 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम सभी लोग इनके साथ सड़कों पर हैं, यहाँ से लेकर देहरादून तक की यदि लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम सब इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं और संकल्पबद्ध हैं। 12 सूत्रीय हमारी मांग है, जिसमें हमारा 21,000 वेतन करा जाए, हम सरकारी कर्मचारी घोषित करे जाएं, कोरोना काल में जो हमसे भयंकर काम कराया जाता है उसका हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है, नाम नहीं है, और हम अपना जीवन, मतलब हम दुर्घटना होती है, कुछ भी होती है, उसका हमारा कोई मोल नहीं है, और हम सोचते हैं हमें, मतलब हमारा बीमा करा जाए, हमारे सुरक्षा दी जाए हमें, और हम नहीं जाएंगे, कांग्रेस हमारे साथ है, हम कांग्रेस के साथ हैं, हमारे साथ संदीप सहगल जी खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और हमें ये आए हैं तो इन्होंने हमारी उम्मीदों को और बढ़ाया है, हमारा हौसला बढ़ाया है, और हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ सब लोग आए, हमारा हौसला बढ़ाए, हमारा साथ दें। वहीं हरिद्वार में मुख्य नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा के नेतृत्व में निगम परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और विधायक मदन कौशिक पर साठ गांठ का आरोप लगाया। अशोक शर्मा ने कहा कि मदन कौशिक ने अपने कैबिनेट मंत्रित्व काल में भ्रष्ट अधिकारियों को निगम में तैनात किया है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में कुंभ मेले के कूड़ेदान निगम में रखे बर्बाद हो रहे हैं, नाला साफ करने वाले वाहन जब से आए हैं तभी से खड़े हैं, उनमें घास तक उगाई है, लेकिन मुख्य नगर आयुक्त इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने आगे कहा कि ये सब विधायक मदन कौशिक के इशारे पर हो रहा है और इस बार जनता मदन कौशिक को हटाकर ही रहेगी। वहीं पार्षद राजीव भार्गव और उदयवीर सिंह चौहान ने कहा कि निगम में अधिकारी पैसों की बंदरबांट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का सामान बर्बाद किया जा रहा है, कूड़ेदान में बरसात का पानी जमा होने से डेंगू का खतरा बन रहा है, ऐसे अधिकारियों को निगम से हटाना चाहिए। पार्षद सुहेल कुरेशी और अनुसूचित विभाग जिलाध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि मेयर से बिना पूछे अधिकारी सामान को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, मेयर और बोर्ड की अनुमति के बिना अधिकारी निगम का सामान बीजेपी के लोगों को बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमर्जी नहीं चलने दी जाएगी। कि आप अपने घरों में डब्बों को उल्टा कर दें, घरों में पानी ना भरें, डब्बा उल्टा कर दें, गमला उल्टा कर दें, मग्गे में पानी ना भरें, और जो है दूसरी ये प्रचार करता घूम रहा है, मुझे लग रहा है और भी ऐसी जो है बैटरी रिक्शाएं होंगी, अलाउंस हो रहा है नगर निगम के द्वारा, नगर आयुक्त जी के द्वारा, और वो कहते हैं ना कहावत है बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, कह रहे इतनी सफाई के इन्होंने पैसे, करोड़ों रुपया इन्होंने, 50 करोड़ रुपया कम से कम साफ सफाई का, कूड़ेदानों का, ये नाला मशीनों का, एक पैसे की कोई काम की चीज नहीं है इस नगर आयुक्त ने, और उन डब्बों को
मतलब एक तो भ्रष्टाचार, उन नगर निगम को जो है कूड़ेदान समझ के उन जो है डस्टबिनों को यहाँ डाल दिया, उन सब के अंदर पानी भरा हुआ है, डेंगू का लार्वा पनप रहा है, लोगों को जो है आसपास डेंगू होना शुरू हो गया है। ये नगर आयुक्त हरिद्वार का भला करेंगे, ये भला करेंगे? अरे इनसे अपना घर का भला नहीं हो रहा है इनसे। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई आरोप लगाए और कहा कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जहाज डूबना तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड को अपने कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री देने का काम किया है और प्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्माण में आंदोलनकारियों का बड़ा रोल रहा है, पर सरकार ने उनकी भी अनदेखी की, इसलिए उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारी 8 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि चिन्हित आंदोलनकारी समिति और आंदोलनकारियों के अनेक संगठन मिलकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के हर कोने से आंदोलनकारी इकट्ठा होकर देहरादून पहुंचेंगे। आंदोलनकारियों के जो नेतृत्व में धीरेंद्र प्रताप जी ने प्रेस की है, वो आंदोलनकारियों के लिए जैसे कि राजधानी गैरसैंण की मांग लेकर के, और आंदोलनकारियों का जो राज्यपाल के यहाँ 10% आरक्षण की जो फाइल रुकी हुई है और हाई कोर्ट में भी चल रही है, जबकि राज्यपाल अगर उसको साइन करके दे दें तो वो पास हो जाएगा और उन लोगों को वो आरक्षण से उनको जो है प्राप्त हो पाएगा, ये विशेष मांग है। और जो आंदोलनकारी जिनके परिवार में जो शहीद हुए हैं वो आज भी कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, उन लोगों की रोजगारी की बड़ी समस्या है, तो उस पर भी एक मांग रखी गई है, वो भी सरकार उसको पूरा करे। तो कब कब देहरादून जाने का क्या है? ये 8 तारीख को हम सब लोग उत्तराखंड के हजारों आंदोलनकारी वहाँ मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। देखिए कांग्रेस का एक मंथन शिविर अभी शुरू हुआ 12 बजे ऋषिकेश में, उसमें भाग लेने के लिए मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, तो इसी बीच में हरिद्वार रुका हूँ। और मेरा आरोप है कि भाजपा ने इस राज्य का पूरा दिवालिया निकाल दिया, आर्थिक ढांचा जो है चरमरा रहा है, भ्रष्टाचार में हम राज्य भर पूरे भारत के राज्यों में पहले नंबर पर आए, बेरोजगारी में हम पहले नंबर पर आए, और सरकार ने पहले तो विपक्षी दलों को निशाना बनाया, अब राज्य आंदोलनकारियों को भी निशाना बना रही है। मैं खुद एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, पहला नौजवान है जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को, और मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने राज्य निर्माण किया आज उन पर मैं मुकदमे हो रहे हैं। हम 10% क्षतिज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने पास करवाया था गैरसैंण विधानसभा में 2016 में, लेकिन 5 साल से जब से ये सरकार सत्ता में आई है इसके गवर्नर जो लाट साहब हैं उस पर दस्तखत करने को तैयार हैं, इसको लेकर भी आंदोलनकारी आगामी 8 अगस्त को जो है विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस आज रोड मैप तैयार कर रही है, हम 2022 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का शुभारंभ हो गया है। यह शुभारंभ ऋषिकेश में किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ ही ब्लॉक व जिले के पदाधिकारियों से कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए पदाधिकारियों को अभी से जुटने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कार्यक्रम में जाने के लिए कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। वहीं इस दौरान समर्थकों और पदाधिकारियों में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। गणेश गोदियाल ने पदाधिकारियों को जल्द ही वार्ड इकाइयों को गठित करने के लिए कहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रदेश में किए गए संगठनात्मक बदलाव का असर उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नजर आना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के दौरान प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सरकार में मुख्यमंत्री बदले जाने के अलावा कोई भी काम नहीं किया जा रहा, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर राज्य की जनता को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें, कांग्रेस के 3 दिवसीय मंथन शिविर के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर रोज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 3 सत्रों में बैठक करेंगे। बैठक के पहले सत्र में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेपा प्रतिपक्ष अध्यक्ष प्रीतम सिंह, राजेश धर्माणी, दीपिका पांडे सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में सीआईआई उत्तराखंड के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के विकास में उद्योगों की बड़ी भूमिका है, इसलिए राज्य में अधिक से अधिक नए उद्योग स्थापित हो, पुराने उद्योगों को भी और बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य का माहौल उद्योगों के अनुकूल है, यहां का शांत वातावरण, राष्ट्रीय राजधानी से नजदीकी, बेहतर सड़कें, रेल और हवाई सुविधाएं, यहां वो सब कुछ उपलब्ध है जो उद्योगों को चाहिए होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों की सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने सीआईआई के पदाधिकारियों से प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना में सहयोगी बनने की अपेक्षा भी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सहयोग हेतु उनके जो भी सुझाव हों उसे उपलब्ध कराएं, उनके सुझावों पर तत्परता के साथ अमल किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक महीने के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि एक महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है और उनके इस एक महीने के कार्यकाल में सूबे की जनता भी लाभान्वित हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस स्वर्णिम कार्यकाल को लेकर उनकी पूरी कैबिनेट को उनके द्वारा बधाई दी जा रही है, जिसने बेहतर काम करके दिखाया है। एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जनता के बीच में जिस प्रकार एक महीने तक ताबड़तोड़ विकास की योजनाएं लागू की हैं, जिस प्रकार से जनता का विश्वास बढ़ा है, निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका एक महीने का कार्यकाल एकदम स्वर्णिम कार्यकाल है और जनता के विश्वास पैदा करने में उन्होंने जो मेहनत की, इसके लिए मैं युवा मुख्यमंत्री को, उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रानीपुर में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें दो लोगों को नामजद करते हुए रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहित निवासी ग्राम दादूपुर के द्वारा कोतवाली रानीपुर में तहरीर देकर इसकी सूचना दी गई। लिखित तहरीर में मोहित सत्यप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम दादूपुर पर जमीन दिखाने के नाम पर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने लिखित तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं उत्तराखंड में कल कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक स्कूलों को खोला गया है। वहीं स्कूल स्टाफ छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी करा रहा है। जहां पर गाइडलाइंस को देखते हुए रखते हुए स्कूल में प्रवेश करने पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और स्कूल के गेट पर ही छात्र छात्राओं को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। वहीं लंबे समय बाद स्कूल में पहुंचने वाले छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कक्षाओं में भी छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंस के तहत ही बैठाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी छात्र छात्राएं फेस मास्क के साथ ही स्कूल में आ रहे हैं। हालांकि आज स्कूल खुलने के बाद दूसरे दिन भी छात्र छात्राओं की बहुत कम संख्या देखने को मिली। टिहरी जनपद के टिहरी डैम बनने के बाद से विस्थापित हुए लोगों ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा से मुलाकात की और राजधानी देहरादून में ही टिहरी से विस्थापित लोगों के लिए भूमि आवंटन की मांग की है। उनका कहना है कि टिहरी डैम बनने से उनके गांव डूब गए हैं और जो प्राचीन चीजें थीं वह भी दफन हो गई हैं। ऐसे में अब वह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक छोटी सी जमीन चाहते हैं, जिसमें वह अपने कार्यालय खोलें और आने वाली पीढ़ी उस कार्यालय में पहुंचकर पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को भविष्य में भी देख पाए। इस मामले में लोगों ने मेयर सुनील उनियाल को ज्ञापन भी सौंपा है। राष्ट्र हित के लिए वहाँ के बासिंदों ने अपनी जमीन और अपनी जन्मभूमि को त्याग दिया था और उसी दिन हमने टेली स्मृति मंच का गठन किया। उसके बाद विस्थापित लोग हमारे संग जुड़ते चले गए। आज हम महापौर जी के पास आए हैं इसलिए कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने उनसे 2-3 साल पहले भी भूखंड की एक मांग की थी। टिहरी प्रतिकीर्ति के लिए जो 48 बल्लूपुर में बनी हुई है, ऐसी हमारी विरासत जो आने वाले बच्चों को भी और आने वाली जनरेशन को भी ये बताए कि हम क्या थे और कहाँ थे, इसलिए हमने इस
आज महापौर जी को ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी इस सुंदर मांग को हम पूरा करेंगे। हरिद्वार के रानीपुर थाने में बीते सोमवार को गुलशन खुराना नाम के एक व्यक्ति ने सेक्टर 3 BHL खोखा मार्केट स्थित अपनी दुकान में रविवार की रात चोरी होने की तहरीर दी थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। चोरी की घटना के खुलासे के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर ने पुलिस टीम का गठन किया था और पुलिस टीम द्वारा गहनता से मामले की जांच की गई और आज मंगलवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने BHEL फाउंड्री गेट के पास से दो व्यक्तियों कृष्णा गुप्ता और उमेश गुप्ता निवासी गुण विष्णु लोक कॉलोनी को प्लास्टिक के दो कट्टों सहित पकड़ा है। प्लास्टिक के कट्टों में से चोरी किया गया सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह नशा करने के आदी हैं और उनके पास से बरामद हुआ यह सामान उन्होंने रविवार की रात को सेक्टर 3 खोखा मार्केट में एक दुकान की टीम की छत को प्लास व लोहा कटर की मदद से काटकर चोरी किया था। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई में छूट गई है। बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, फिल्मों में इस तरह का किरदार निभाते हुए किसी ना किसी को तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन काशीपुर में भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला है जहां बाप चोरी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और अब बेटा चोरी के ही मामले में हल्द्वानी जेल में बंद है। क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट को देखिए। काशीपुर में बीते दिनों बंद पड़े मकान की रेकी कर कुछ चोरों ने धावा बोल दिया और बंद पड़े मकान से सामान चुरा कर फरार हो गए, तो वहीं मकान मालिक के घर आने के बाद चोरी की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने तत्पर टीम गठित कर जांच में जुट गई। साथ ही आसपास लगे 100 से 200 कैमरे खंगाल कर शातिर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस को चोरों की फुटेज हाथ लगी, जिसके बाद पुलिस ने साथी चोरों की तलाशी शुरू कर दी और 100% रिकवरी के साथ ही दो गिरोह के शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं स्थानीय चोरों का बैकग्राउंड खंगाला गया तो जिसमें एक चोर दिल्ली राज्य से आकर उत्तराखंड में रह रहा था, जिसने दिल्ली राज्य में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और चोर के पिता दिल्ली के तिहाड़ जेल में चोरी के मामले में बंद है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय पेश कर दिया है और उसके बाद जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने भी स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि कोई भी घर से बाहर जाता है और नजदीकी चौकियों में सूचना दे ताकि बंद पड़े मकानों पर पुलिस की नजर रहे, ना दोबारा सामने ना आए। काशीपुर से न्यूज ऑल इंडिया के लिए नाजिम खान की रिपोर्ट। पिछले हफ्ते 26 से 28 के बीच में बंद घर पे ताला तोड़ के दो अज्ञात चोरों द्वारा घरेलू सामान जैसे LED TVs, लैपटॉप, कैमरा आदि का चोरी की गई थी। पुलिस में अनेक 100 से 150 कैमरे छानबीन कर और बाकी सुरागसी पतरसी जारी रखते हुए चोरों को पकड़ लिया और सारा सामान बरामद हो गया। ये चोर बेसिकली, इसमें से एक चोर मूल दिल्ली के निवासी है, जिसके परिवार में भी चोरी और अन्य अभियोगों में क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, तो और ये किसी अपना ही खुद का घर बना के काशीपुर में रह रहा था और उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई। तो मेरा सब लोगों से ये भी अनुरोध रहेगा, इस चोरी के साथ इन चोरों के इंट्रोगेशन से ये भी पता चला कि ये कई अन्य जगहों पे भी चोरी का प्रयास कर चुके हैं, बट ताला मजबूत होने के कारण इनका घर का ताला नहीं तोड़ पाए। तो जब भी कोई व्यक्ति 2 से 3 दिन के लिए या उससे अधिक मात्रा के लिए अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वो नियरेस्ट थाना चौकी को बता के जाए, मजबूत ताले के साथ चले जाए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये चोरी पकड़ने में घर में लगे हुए CCTV की भी बहुत ज़्यादा मदद हुई, तो मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अधिकाधिक लोग अपने एरिया में, सोसाइटी में, मोहल्ले में CCTV का उपयोग करें और DVR सुरक्षित जगह पर। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया गया है। इस बार भी कर्फ्यू के प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह यथावत रहेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने यह आदेश जारी किए हैं। फिलहाल 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेंगे। सरकार ने रेल, हवाई व सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास 2 डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश को बरकरार रखा है, जबकि 1 डोज वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी 72 घंटे पूर्व की RT-PCR
टूनेट व एंटीजन जांच की बाध्यता अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। इन सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग की जारी गाइडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह में बड़ी संख्या में मौजूदगी पर पहले की तरह प्रतिबंध लगाया है। आदेश में यह नहीं बताया गया कि यह संख्या कितने तक सीमित होगी। वहीं पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भी पहले की तरह जिलाधिकारियों को निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करवाए और साथ ही बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाए। भाजपुर में एटीएम पर पैसे निकालने आए ग्राहक की आंखों में धूल झोंककर एटीएम स्वैप करने के बाद एटीएम से 9000 रुपए निकालने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए आरोपी युवक को न्यायालय में पेश होने के लिए भेज दिया। बता दें कि ग्राम बन्नाखेड़ा के खंबारी निवासी बलजीत सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर एटीएम के बाहर खड़े दो लोगों पर उसके साथ जालसाजी करने और एटीएम स्वैप करने का एटीएम से 9000 की धनराशि निकालने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बलजीत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए बैंक के एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर एक युवक को एक्सिस बैंक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने अपना नाम गुरुदेव सिंह बताया है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरियां बढ़ रही थी, जिसके चलते संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है, जबकि दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों से ये चोरी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है। एक तो हमने अपनी पुलिस पिकेट और गश्त बढ़ाई है, सभी चौकियों से हमने रात्रि में कांस्टेबल्स यहाँ बुलाकर अलग अलग जगहों पर कांस्टेबलों द्वारा गश्त कराई जा रही है। रात्रि अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि वो पूरी सजगता से सुबह होने तक समय समय पर इनको चेक करें और अगर कोई अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार हमारे चेकिंग चल रही है, दिन में भी हम संदिग्धों को पकड़ रहे हैं और जो भी हमारे पास इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं जो संदिग्ध हैं या जो बेवजह इधर उधर घूम रहे हैं और अपने किसी काम का कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं, ऐसे लोगों पर हमने पूछ। मसूरी में मंगलवार दोपहर हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लोक निर्माण विभाग ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर आए मलबे को जेसीबी की मदद से हटाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सका। बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन जोन बन गया है और पिछले साल से लगातार इस क्षेत्र में भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने बताया कि उनके द्वारा स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक से मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास हो रहे भूस्खलन के ट्रीटमेंट को लेकर मांग की गई थी, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में गलोगी पावर हाउस के पास हो रहे भूस्खलन से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको लेकर सरकार के साथ स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा भूस्खलन क्षेत्र में कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं, जिससे कि अगर भूस्खलन होता है तो यातायात को रोक दिया जाए। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के फॉर्म भरवाने के नाम पर 500 रुपए मांगे जाने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पार्षद पति किसी से फॉर्म भरवाने में करीब 500 रुपए लगने की बात कहते दिख रहे हैं, जिसके चलते चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और अधिकारियों ने इस मामले की जांच पड़ताल कर दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा के तहत कार्यवाही की बात की है। दरअसल वार्ड नंबर 16 शिवलोक कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और इस बीच वहां कोई व्यक्ति अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके पार्षद पति के पास पहुंचता है और जानकारी लेता है, जिसमें वार्ड नंबर 16 की पार्षद निशा नौडियाल के पति राकेश नौडियाल वीडियो में फॉर्म बनवाने के नाम पर 500 रुपए लेने की बात कहते दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।